हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सो ज़्यादातर लोग जो हैं, जब वो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं और वो मेरी या नासिर की हेल्प लेना चाहते हैं और वो हमारे पास आते हैं गाइडेंस के लिए कि आप हमें बताएं कि हम कैसे अप्लाई करें, तो हमसे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि मोटिवेशन लेटर क्या है, एसओपी क्या है, कवर लेटर क्या है, लेटर ऑफ इंटेंट क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, और सबसे ज़्यादा जो रिडिकुलस क्वेश्चन है वो ये है कि आप हमें अपनी एसओपी भेज दें। मैं आपको भेज तो दूँ और इस वीडियो में मैं सबके सामने आपको अपना मोटिवेशन लेटर दिखा भी दूंगी, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो मेरा मोटिवेशन लेटर है, उससे आपको कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। मोटिवेशन लेटर या कवर लेटर या एसओपी जो होती है वो आपकी अपनी होती है, वो आपका अपना पर्सनल आपकी अपनी पर्सनल मोटिवेशन, आपका अपना पर्सनल एसे अबाउट योर सेल्फ होता है, ठीक है। और वो किसी और का आप कॉपी पेस्ट कर भी लेंगे उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, और जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसकी जिस्ट ही खत्म हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद नासिर एंड फातिमा। सो आज हम बहुत ही ज़्यादा एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ हैं, और ये वीडियो जो है वो उर्दू में भी इसलिए बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हम इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, और वो ये है कि मोटिवेशन लेटर, कवर लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज एक्सेट्रा, ये सब क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और आपको कैसे लिखना है। सो द फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एक्चुअली लेटर ऑफ मोटिवेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज और लेटर ऑफ इंटेंट, ये सब कुछ जो है ये सेम ही है, ठीक है। एक ही लेटर है और इसके डिफरेंट नेम्स हैं, और ये जो है यूनिवर्सिटीज और प्रोफेसर्स के दरमियान में इंटरचेंजेबली यूज़ होता है, मतलब एक ही चीज़ है, कोई डिफरेंसेस नहीं है इनमें। और जो कवर लेटर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, नॉर्मली वो जॉब एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है, और कवर लेटर में क्या होता है कि जब कोई जॉब ओपनिंग होती है उसमें कुछ डिस्क्रिप्शंस होती हैं और जॉब की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और अगर आप उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं तो आप जो हैं कवर लेटर में मेंशन करते हैं कि कैसे आप उस जॉब के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हैं, और साथ में आप अपने रेज्यूमे अटैच कर देते हैं कि जो भी डिटेल आपकी स्किल्स हैं उस रेज्यूमे में हैं, और ताकि जो रिक्रूटर है वो आपका कवर लेटर भी देख ले और आपकी रेज्यूमे भी देख ले, और फिर वो अगर आपको शॉर्टलिस्ट करता है तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर ले। और मोटिवेशन लेटर क्या होता है? सो मोटिवेशन लेटर ये है कि जब आप किसी रिसर्च पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप पीएचडी के लिए या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप एक मोटिवेशन लेटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो आपसे मांगा जाता है कि आप उनको एक मोटिवेशन लेटर प्रोवाइड करें। असल में क्या है, मोटिवेशन लेटर से जस्ट जो रिक्रूटर्स या प्रोफेसर जिसकी लैब में आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको ज़्यादा जानना चाहते हैं, ठीक है, कि आपके करियर गोल्स क्या हैं, आपका रिसर्च बैकग्राउंड क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, मतलब आप अपना करियर को किस तरह से परसू करना चाहते हैं, आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म करियर गोल्स क्या हैं, आपके रिसर्च इंटरेस्ट क्या हैं, वो सब कुछ ये जानना चाहते हैं, इसीलिए वो आपसे मोटिवेशन लेटर मांगते हैं ताकि उनको पता लगे कि आपने पास में कैसे प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपको किस तरह का काम करने में अच्छा लगता है, क्या काम करके आपको, मतलब किस तरह का काम करके आप इंजॉय करते हैं, आपके रिसर्च एक्सपीरियंसेस जो हैं वो कैसे हैं, और जो काम उनकी लैब में हो रहा है उससे अलाइन करते हैं या नहीं। मोटिवेशन लेटर इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर फर्ज करें अगर आप अपनी रिसर्च फील्ड जो है वो चेंज करें, मतलब जैसे कि मेरे केस में जब मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था तो मेरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, लेकिन ये जॉब जिसमें मैं अब काम कर रही हूँ ये मोस्टली जो है वो IoTs नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, और मेरा इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जब मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था तो मैंने उसमें बताया था कि दो कि मेरा बैकग्राउंड जो इससे इस जॉब से इतना ज़्यादा मैच नहीं करता, पर स्टिल मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ इस जॉब के लिए और इस फील्ड में काम करने के लिए, और ये फील्ड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आप मुझे प्लीज़ कंसिडर करें, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत जल्दी क्विक लर्नर हूँ, तो मैं जल्दी काम सीख जाऊंगी एंड आई विल अचीव द माइलस्टोन्स इन ड्यू टाइम। सो अगर स्पेशली अगर आप अपनी रिसर्च फील्ड जो है वो थोड़ा चेंज कर रहे हैं तब तो ये मोटिवेशन लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको जस्टिफाई करना है कि व्हाई यू आर चेंजिंग योर रिसर्च फील्ड। आपका मोटिवेशन लेटर जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस तक जा सकता है। आई वुड रिकमेंड कि आप उसको 1.5 पेज तक ही रखें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चलें आप उसको 2 पेजेस तक ले जाएं। लेकिन कवर लेटर तो हमेशा बस एक ही पेज का होना चाहिए, इससे ज़्यादा लंबा कवर लेटर नहीं होना चाहिए। ओके, आपका जो मोटिवेशन लेटर है उसमें 5 to 6 पैराग्राफ्स होते हैं और कवर लेटर में भी 3 to 4 पैराग्राफ्स होते हैं। आपका मोटिवेशन लेटर कैसा होता है ये मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको अपना मोटिवेशन लेटर दिखाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि मोटिवेशन लेटर कैसे लिखते हैं, ठीक है। और जो आपका कवर लेटर है वो आप मोटिवेशन लेटर से ही ड्राइव कर सकते हैं। कवर लेटर जो है वो मोटिवेशन लेटर की थोड़ी स्मॉल फॉर्म है, उसमें थोड़ी सी चीज़ें कट करके, थोड़ी डिटेल्स कट करके आप अपना कवर लेटर जो है मोटिवेशन लेटर से ही ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। इधर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये कि जब आप डिफरेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई करें तो आपको सेम मोटिवेशन लेटर कभी भी नहीं यूज़ करना। आपको मोटिवेशन लेटर हर पोजीशन के लिए बहुत ज़्यादा
उस पोजीशन की तरफ टारगेटेड होना चाहिए. मतलब कि अगर आप एक पोजीशन में एक मोटिवेशन लेटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिंपल डिटो कॉपी पेस्ट करके वही मोटिवेशन लेटर नेक्स्ट पोजीशन के लिए नहीं यूज़ करना. आप अपने मोटिवेशन लेटर को जिस नेक्स्ट पोजीशन के लिए अप्लाई करें उस हिसाब से मॉडिफाई करें. अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ एक मोटिवेशन लेटर यूज़ करके, तो मैंने उसको कैसे यूज़ किया, मैं उसको एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की पोस्ट के लिए नहीं यूज़ कर सकती, ठीक है, उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा. और इसी तरह मैं जिस लैब में अप्लाई कर रही हूँ मैं देखूँगी कि उसके पास्ट में कैसा वर्क हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पे किस तरह के रिसर्च पेपर्स निकल रहे हैं और उधर किस तरह से किस फील्ड में रिसर्च हो रही है. और जब मैं अपना मोटिवेशन लेटर लिखूँगी तो मैं उस लिहाज से उस तरफ टारगेट करके लिखूंगी कि ठीक है मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है और मैंने आपका ये काम देखा है और मुझे ये पसंद आया और मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ, ठीक है. सेम मोटिवेशन लेटर आप यूज़ करेंगे डिटो कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. वो इतना जनरल होता है कि सही सी बात है, जो आप एक मोटिवेशन लेटर लिख के तो प्रोफेसर को ईमेल करें, लेकिन प्रोफेसर्स को ऐसे मोटिवेशन लेटर कवर लेटर रोज़ाना मिलते हैं, ठीक है. 10-10 लोग उनको ईमेल करते हैं, 10-10 लोग उनको, जब वो एक पोजीशन ओपन होती है तो 100-100 लोगों ने अप्लाई किया होता है, ठीक है. अगर हर बंदे का मोटिवेशन लेटर वगैरह डिटो कॉपी पेस्ट है, उनको पता लग जाता है किस बंदे ने खुद बैठा है मेहनत किया है लिखा है और किस बंदे ने जस्ट कॉपी पेस्ट करके लिखा है, ठीक है. तो आप लोगों को मेहनत करनी है, खुद अपना मोटिवेशन लेटर जो है वो लिखना है और हर पोजीशन के लिए उस पोजीशन के हिसाब से टारगेटेड मोटिवेशन लेटर लिखना है, ठीक है. सो अब मैं आपको अपना मोटिवेशन लेटर दिखाऊंगी, ये वो मोटिवेशन लेटर है जो मैं अपनी करंट जॉब में यूज़ किया है. राइट नाउ आई एम वर्किंग एट मेमरा यूनिवर्सिटी और मैं वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर हूँ. ऑल्सो आई हैव अप्लाइड फॉर PhD पोजीशन इन द सेम विद द सेम प्रोफेसर कि वो मेरा सुपरवाइजर हो और मैं उनके अंडर PhD भी कर लूँ इसी प्रोजेक्ट के अंडर, ठीक है. तो ये जो मोटिवेशन लेटर है ये मैंने इस पोजीशन में अप्लाई करने के लिए यूज़ किया था एंड आई विल शो यू हेयर कि मैंने इस मोटिवेशन लेटर में क्या लिखा है. सो ये मेरा मोटिवेशन लेटर है. इसमें आप देख सकते हैं कि स्टार्ट मैंने ऐसे किया कि मैंने अपने डायरेक्टर को मुखातिब किया, जो मेरी लैब में डायरेक्टर हैं उनका नाम प्रोफेसर मुझदात है, उनको मैंने मुखातिब किया, ठीक है. फिर मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें मैंने अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताया, ठीक है. क्योंकि मैं PhD के लिए अप्लाई कर रही थी तो इसमें मैंने अपनी मास्टर्स की एजुकेशन का भी जिक्र किया है और मैंने अपनी बैचलर्स की एजुकेशन का भी जिक्र किया है. और इसके अलावा क्योंकि मेरा GPA जो है वो अच्छा है इसलिए मैंने अपना GPA भी मेंशन किया है. अगर आपका GPA अच्छा हो तो आप अपना GPA मेंशन कर सकते हैं, अगर आपका GPA इतना अच्छा नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि यू कैन स्किप इट, ठीक है. फिर उसके अलावा मैंने अपना TOEFL का स्कोर मेंशन किया है. अगर आपने TOEFL, GRE, IELTS वगैरह टेस्ट दिए हुए हैं और अगर आपका उनमें अच्छा स्कोर है तो आप वो भी पहले पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है. सेकेंड पैराग्राफ जो है वो स्ट्रिक्टली अबाउट माई रिसर्च स्किल्स है, ठीक है, कि मेरी रिसर्च स्किल्स क्या हैं और मैं किस तरह से उन जॉब वो जो जॉब उन्होंने वैकेंसी उनकी लैब में है और जो रिसर्च पोजीशन उनकी लैब में है मैं किस तरह से उस पर पूरी हो सकती हूँ. उस पर मैंने अपने पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि मैंने मास्टर्स में अपना थीसिस किस टॉपिक पे किया है, उस थीसिस में अगर मैंने पेपर पब्लिश किए हैं तो वो कौन से पेपर्स हैं, ठीक है, और उसके अलावा कौन कौन सी मेरी रिसर्च स्किल्स हैं वो सब मैंने सेकेंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया. उसके अलावा मैंने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, जिन लैब इक्विपमेंट्स में मैं प्रोफिशिएंट हूँ, वो भी मैंने सेकेंड पैराग्राफ में मैंशन किए हैं. थर्ड पैराग्राफ में मैंने अपने जॉब एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने मास्टर्स करने के बाद पाकिस्तान वापस चली गई थी और वहाँ पे मैंने एक साल जो है बहरिया यूनिवर्सिटी में एज ए रिसर्च इंजीनियर एज एन एम्बेडेड इंजीनियर मैंने वहाँ पे जॉब की थी. तो मैंने वो अपना जॉब एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरी जॉब में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ठीक है. अगर आपने कोई जॉब की है और वो इंपॉर्टेंट जॉब है और जिस तरह जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ रेलिवेंट है तो इसमें आप अपनी जॉब एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं थर्ड पैराग्राफ में. अगर जो है अगर आपने अभी कोई जॉब नहीं की, इंटर्नशिप्स की हैं, आप वो भी शेयर कर सकते हैं. उसके अलावा आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अपने वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं. अगर आप किसी सोसाइटी में पार्टिसिपेट करते थे लाइक IEEE एक्सेट्रा, जो भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं आप इस पैराग्राफ में वो भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है. और इसके अलावा आप जो है अपने डिस्टिंक्शंस वगैरह भी इस पैराग्राफ में शेयर कर सकते हैं, लाइक आप टॉप स्टूडेंट थे, आपको कोई गोल्ड मेडल मिला है, आपने अपने FIP में कोई गोल्ड मेडल लिया एक्सेट्रा, वो शेयर कर सकते हैं. जैसे सेकंड पैराग्राफ में मैंने अपने मास्टर्स की थीसिस का काम शेयर किया था. अगर आप लोगों ने मास्टर्स नहीं किया हुआ, अगर आप बैचलर्स के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो सेकंड पैराग्राफ में आपने FIP प्रोजेक्ट का जिक्र कर सकते हैं, अपने पास्ट जो पास्ट आपने जितने भी अपने सेमेस्टर्स में प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, लैब में जो काम किया हुआ है वो आप उसके बारे में उधर बता सकते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ में मैंने अपनी सॉफ्ट स्किल्स वगैरह के बारे में जिक्र किया है कि
मुझ में जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, फर्स कहें अगर मैं बहुत अच्छी प्रेजेंटर हूँ वो मैं बता सकती हूँ. उसके अलावा ये कि मैं एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूँ, टीम वर्कर हूँ, ठीक है, इंडिविजुअली भी अच्छा काम कर सकती हूँ और टीम में भी अच्छा काम कर सकती हूँ. ये चीज़ें मैंने जिक्र किया हैं. और साथ ही मैंने उसमें ये भी जिक्र किया कि दो जो जॉब वैकेंसी है उससे मेरा रिसर्च बैकग्राउंड बिल्कुल सही से अलाइन नहीं है, क्योंकि मैं जाहिर सी बात इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मैंने बैचलर्स और मास्टर्स किया और जो जॉब पोजीशन है वो मोस्टली कंप्यूटर नेटवर्क्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है. पर स्टिल आई एम वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट इट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा AI और मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है. और मैं उसके लिए मैं कोर्सरा से कोर्सेज भी ले रही थी और मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. वो चीज़ें मैंने मैंशन किया है कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड और मेरी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है, तो मैं इस जॉब के लिए मैं जो हूँ मैं अच्छा परफॉर्म करूँगी अगर आप मुझे चांस दें. मैंने ये चीज़ें शेयर की हैं, ठीक है. और फाइनली इन लास्ट पैराग्राफ आप जो हैं वो उनको बता सकते हैं कि मतलब एक अच्छे से नोट पर एंड करें कि यू आर होपिंग टू हेयर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स और इफ़ दे हैव एनी फर्दर क्वेश्चन दे कैन कॉन्टेक्ट यू ऑन द गिवन ईमेल एक्सेट्रा. और फिर देन बेस्ट रिगार्ड्स और फातिमा मेरा नाम वगैरह सिग्नेचर्स वगैरह करके इस लेटर को एंड किया. ये तो था मेरा मोटिवेशन लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट SOP, ठीक है, जो मैंने अपनी जॉब जिसमें मैं करंटली एम्प्लॉयड हूँ उसके लिए मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है. अगर फर्स्ट करें अगर आपने कवर लेटर लिखना है, क्योंकि ये जॉब जो थी रिसर्च पोजीशन रिलेटेड थी तो इसके लिए मैंने मोटिवेशन लेटर यूज़ किया और मोटिवेशन लेटर ही रिक्वायर्ड था. लेकिन फर्स्ट करें अगर आप किसी इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे इस तरह की इतनी रिसर्च एक्सेट्रा नहीं है, PhD नहीं है, मतलब बेसिक जॉब है, तो मोस्टली उसमें कवर लेटर डिमांड होता है. मतलब उसमें ये होता है कि भाई आप फर्स करें अगर मैं एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर की जॉब पे अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, उसमें होता है कि भाई आपने फर्स करें Raspberry Pi पे काम किया हुआ है, आपको Arduino पे काम करना आता है, आपको FPGA पे काम करना आता है एक्सेट्रा. तो जब आप अपना कवर लेटर लिखते हैं तो आपने बस जो है आपको अपनी रिसर्च बैकग्राउंड वगैरह बताने की भी खास ज़रूरत नहीं है और ना ही अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताने की ज़रूरत है. आप किस जॉब जो आपकी रेज्यूमे है उसमें सब इंफॉर्मेशन गिवन है. आपने बहुत ज़्यादा टारगेटेड कवर लेटर लिखना है कि आपने मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और जो फॉर मैंशनड स्किल्स हैं जो कि इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं वो सारी हैं और मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें मैंने FPGA पे, लेट सपोज एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर की जॉब है कि मैंने FPGA पे काम किया, मैंने Arduino पे काम किया, मैंने Raspberry Pi पे काम किया और मेरा ये एक्सपीरियंस है या मेरे ये अवार्ड्स हैं, ये सर्टिफिकेशन एक्सेट्रा. सो आपने जस्ट बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट जो है वो कवर लेटर लिखना है और जो कि वन पेज पे ही होगा सिर्फ. आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स दूर हो गई होंगी. और ये वीडियो मैंने उर्दू में बनाई भी इसीलिए है ताकि आपकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ऑडियंस जो है वो उर्दू स्पीकिंग है, उर्दू या हिंदी स्पीकिंग है. सो आई होप दैट दिस वीडियो इज़ सुपर हेल्पफुल फॉर यू ऑल. एंड अगेन द मोस्ट एक्साइटिंग न्यूज़ इज़ के अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और एक स्नैपशॉट जो है जिस पे ये शो रहा हो कि आपने हमारी वीडियो लाइक की है, हमारे पेज को सब्सक्राइब किया और इस वीडियो के नीचे कमेंट किया है वो मुझे ईमेल करें. और अगर आपका कमेंट जो है वो अमंग फर्स्ट 50 कमेंट्स है तो मैं आपको आपके मोटिवेशन लेटर पे फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करूँगी. और यू आप अपना मोटिवेशन लेटर मुझे भेजें इस डायरेक्शन पे, जो डायरेक्शंस मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं उस डायरेक्शंस के मुताबिक अपना मोटिवेशन लेटर मुझे बना के भेजें एंड आई विल गाइड यू. एंड इफ़ देर आर एनी मिस्टेक्स तो मैं उस मोटिवेशन लेटर में वो करेक्ट भी करूँगी और मैं आपको फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करूँगी. सो आई होप कि इससे आपको, इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है कि आपको मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है और आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर हुई हैं. So if you have liked this video, please give it a big thumbs up and share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel to keep learning with Nasir and Fatma. Bye bye.